नमस्कार दोस्तों, मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं लेकिन हजारों गलतियों को माफ़ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 27 जुलाई दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों अगर आपकी भी मिथुन राशि है, आप जानना चाहते हैं आज का संपूर्ण राशिफल, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों आज गुरुवार है, आज भगवान नारायण और साईनाथ का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण या ओम साईनाथ अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है 27 जुलाई 2023 दिन गुरुवार। आज की तिथि है नवमी। आज का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। सूर्योदय 5:59 AM, सूर्यास्त 7:07 PM। सूर्य राशि सूर्य कर्क राशि पर है। अभिजीत मुहूर्त 12:07 PM से 12:59 PM। आज का चाणक्य विचार। जीवन की सच्चाई है कि बुरे वक्त में इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खोक देता है और मान लेता है कि उसके जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं होगा, मगर क्या ये सोचना ठीक है? आचार्य चाणक्य के अनुसार 5 चीज़ों का ध्यान रखें तो जिंदगी की हर परेशानी को आसानी से दूर कर देंगे। कभी भी डरे नहीं। बुरा वक्त आने पर आप डर जाते हैं, घबराने लगते हैं, जबकि आपको शांत और स्थिर मन से समस्या का हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि समस्या का कारण जाने बिना आप समाधान नहीं ढूंढ सकते। बुरे ख्यालों को मन से निकाल दें। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। दरअसल ये दुखी हैं जो जीवन का सच है। ये संघर्ष करना सिखाते हैं, आगे बढ़ना सिखाते हैं। तो संयम और आत्मविश्वास से काम लें। सफलता बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हालात और रिजल्ट पर किसी इंसान का बस नहीं होता है, लेकिन किस हालात में आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं जो ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। बुरे से बुरे हालात में अगर आप खुद पर काबू रखकर प्रतिक्रिया देंगे तो आपसे सफल कोई नहीं हो सकता। बुरे समय में भी तलाशें अवसर। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अच्छा और बुरा समय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए बुरे समय में भी जीवन को बेहतर बनाने की वजहों को तलाशें। बुरा समय देखकर हिम्मत ना हारें और उन हालातों में बाहर निकलने की लगातार कोशिश करें। सही जानकारी लें। लाइफ में कई बार हम बिना सही जानकारी और अनुभव के जीवन के युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी रणभूमि में कदम रखने से पहले सभी युद्ध नीति की पूरी जानकारी हासिल कर लें, वरना दुश्मन का एक ही वार काफी होगा। मित्रों अगर आपको ये जानने की नीति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का मिथुन राशिफल। कई दिनों से रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक संबंध मधुर होंगे। अपनी इमेज सुधारने का मौका भी आपको मिल सकता है। सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। आपके लिए दिन उत्साहवर्धक और मनोरंजन होता रहेगा। परिवार से जुड़े मामलों पर आपको ध्यान देना होगा। कुछ घरेलू उलझे हुए मामले जल्द ही सुलझ सकते हैं। परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा और इसके साथ ही शादीशुदा लोगों को आज सुख मिल सकता है। प्रेम बढ़ेगा, पुरानी बीमारियों में आराम मिलेगा। आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपके पारिवारिक जीवन में सब अच्छा होगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। आपको नए स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। इस राशि के विवाहितों का दिन अच्छा गुजरेगा। आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। कोई पुराना परिचित जल्द ही आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। जरूरतमंद को भोजन कराएं। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। अगर आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे तो कुछ ऐसे लोग नाराज हो सकते हैं जो आज आपके साथ रहते हैं। किसी से अचानक हुई रूमानी मुलाकात आपका दिन बना देगी। अपने काम और शब्दों पर गौर करें, क्योंकि आधिकारिक आंकड़े समझने में आपको मुश्किल होगी अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो। लंबे अरसे के बाद जीवन साथी के साथ काफी वक्त गुजारने का मौका मिल सकता है। सितारों की माने तो आज आप अपने दोस्तों के साथ एक बेहतरीन शाम गुजारने वाले हैं। बस इतना याद रखें कि कोई भी चीज़ जरूरत से ज्यादा हो तो अच्छी नहीं होती। नौकरी में परेशानी हो सकती है। रूटीन कामों में कुछ जोखिम हो सकता है। जिद करेंगे तो किसी से विवाद होने की संभावना है। ज्यादा सोच विचार में समय ना गवाएं। अचानक आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। कामकाज में रुकावटें आने से आपका मूड खराब हो सकता है। दौड़ भाग बनी रहेगी। कुछ मामलों में लोगों की मदद नहीं मिल पाएगी। सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। नींद की कमी रहेगी। सिरदर्द और आंखों में जलन हो सकती है। आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। कोई फैसला तुरंत ना करें। आपकी परेशानी और बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। अपने कामकाज के बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अचानक कोई यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से हो सकती है। दूसरों के साथ विवाद का कोई मामला उलझ सकता है। किसी की भी आज आलोचना करने से आपको बचना चाहिए। चिड़ियों को दाना खिलाएं। आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। आज आप अकेलापन महसूस करेंगे और यह अकेलापन आपको समझदारी भरे फैसले लेने से रोकेगा। आपके प्रिय का अस्थिर बर्ताव आज रोमांस को बिगाड़ सकता है।
चीज़ों और लोगों को तेज़ी से परखने की जो आपकी क्षमता है वो आपको दूसरों से आगे बनाए रखेगी। जीवन साथी के साथ बात बात होने की काफ़ी संभावना है। आज परिवार या मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा। मुमकिन है कि आप झुंझलाहट या खुद को फंसा हुआ महसूस करें क्योंकि दूसरी खरीदारी में पूरी तरह मशगूल रह सकते हैं। नौकरी और बिजनेस में लाभ की संभावना बन रही है। आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। विशेष लाभ व उन्नति के लिए आज आपको कुछ ज़्यादा ही कोशिशें करनी पड़ सकती हैं, लेकिन आप सफल भी हो सकते हैं। आपके लिए आपके किए गए जो काम है वो किस्मत की मदद से आज पूरे हो सकते हैं। अपने फायदे की चिंता जरूर करें। दूसरों को नाराज़ किए बिना चतुराई से काम करें। लव पार्टनर पर खर्चा ज़्यादा हो सकता है। लवर या जीवन साथी पर गुस्सा ना करें। किसी पर अपनी भावनाएं ज़बरदस्ती ना थोपें। आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपको ताजगी महसूस होगी। काम के प्रति ऊर्जा बनी रहेगी। जिस भी काम को आप करना चाहेंगे वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। आज आप किसी समारोह में जाने की योजना बना सकते हैं। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है। सामाजिक मेल मिलाप के कुछ रोचक मौके मिल सकते हैं। करियर के लिए आसपास के लोगों से मदद ज़रूर मिलेगी। माता पिता का आशीर्वाद लें। आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आज आपको दूसरों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि बच्चों को ज़्यादा छूट देना आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। आज रोमांस आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। तनाव से भरा दिन जब नज़दीकी लोगों से कई मतभेद उभर सकते हैं। किसी बच्चे या बूढ़े के स्वास्थ्य को लेकर घर में परेशानी या प्रत्यक्ष रूप से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। अगर बहुत ज़्यादा ना हो तो आज देर रात स्मार्टफोन पर गप्पे मारने में भी कोई बुराई नहीं है। हालांकि किसी भी चीज़ की अति नुकसानदेह है। नए सौदे आज ना करें तो ही अच्छा है। पैसा भी रुक सकता है। दिन की शुरुआत ठीक नहीं रहेगी। ना चाहते हुए भी पैसा खर्च हो सकता है। परिवार के लोग आज आपको किसी कठिन परिस्थिति में डाल सकते हैं। आज आप अपनी प्लानिंग गुप्त ही रखें। किसी से भी कुछ शेयर ना करें। रिश्तों के क्षेत्र में कुछ कठिन स्थितियां बन सकती हैं। बाद में आप उलझ सकते हैं। कामकाज में सुस्ती का माहौल बना रहेगा। सिर और पेट दर्द आपको आज हो सकता है। भोजन में सावधानी बरतें। आज आप जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे जिसका फल आपको किसी काम में बड़ी सफलता के रूप में मिलेगा। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। रिश्तेदारों के साथ किसी तीर्थ स्थल पर घूमने का प्लान आप बनाएंगे। काम पूरा करने के बाद आपको आराम और मनोरंजन का मौका मिलेगा। नए लोगों से मुलाकात होगी। ये मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। बच्चों को पेन गिफ्ट करें। आपके साथ सब अच्छा होगा। दफ्तर के कामकाज में ज्यादा व्यस्तता के चलते अपने जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता तनावपूर्ण हो सकता है। आपके जीवन में प्रेम की बहार आ सकती है। आपको जरूरत है तो बस अपनी आंख कान खोले रखने की। अगर कहीं बाहर जाने की योजना है तो वह आखिरी वक्त पर टल सकती है। आज आप महसूस करेंगे कि शादी का बंधन वाकई स्वर्ग में बनाया जाता है। आज आपके पास पर्याप्त वक्त होने की संभावना है, लेकिन इन कीमती पलों को ख्याली पुलाव पकाने में ना गंवाएं। कुछ पुख्ता करना आने वाले सप्ताह की बेहतरी में मददगार साबित होगा। लव रिलेशन में आपकी मधुरता आएगी। पार्टनर से झूठा वादा करना महंगा पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक परेशानियां का सामना भी करना पड़ेगा। पत्नी की सेहत पर धन खर्च हो सकता है। दोस्तों आज आपका शुभ अंक है 7। शुभ रंग है क्रीम और सफेद। उपाय चांदी के आभूषणों का अधिक प्रयोग करने से पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। मित्रों इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कॉमेंट्स में हमें अपने सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।